गरीबों को सताना बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो गरीबों को सताना बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो महंगाई हटाओ गरीबों को बचाओ महंगाई हटाओ गरीबों को बचाओ महंगाई हटाओ गरीबों को बचाओ बंद करो बंद करो गरीबों को सताना बंद करो बंद करो बंद करो गरीबों को बचाओ आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो सताना बंद करो बंद करो महंगाई हटाओ आवाज दो आवाज दो गरीबों को सताना बंद करो बंद करो बंद करो सताना बंद करो बंद करो गरीबों को सताना बंद करो बंद करो महंगाई हटाओ गरीबों को बचाओ महंगाई हटाओ गरीबों को बचाओ आवाज दो आवाज दो आवाज दो गरीबों को सताना बंद करो बंद करो गरीबों को सताना बंद करो बंद करो। सबसे पहले ही आपका बेहद बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, इस प्रोटेस्ट को आपने कवरेज की दी। मेरा नाम इशफाक गिलकार है और ये प्रोटेस्ट यहाँ की जो शहरी श्रीनगर है, यहाँ की आवाम के लिए है, यहाँ की बहबूदी के लिए है। यहाँ पे जो लोग दिन को जो कमाते हैं वो शाम को बेचारे खाते हैं। मुझे बताइए, यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आए दिन दावे करती है कि हम गरीबों को अपलिफ्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मिसाल मैं देना चाहूँगा, यहाँ पर जो हमारे रेडी वाले हैं, जो दिन को रेडी लगाते हैं, उनको श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इनको डिमोलाइज कर वेंडलाइज करती है। उनके रेडे लिए जाते हैं, फिर उनको बोला जाता है कि आप कोर्ट से इनको छुड़ा के लाओ। मुझे बताइए, जो ये रेडी वाला है बेचारा, इसकी क्या खता है? अगर यही गरीब कल यही रेडे वाला जब ये बैंक के पास जाता है, जो ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं हुकूमत से कि हम इनको लोन प्रोवाइड करेंगे, मुझे बताइए, इनसे लोन बैंक वाले पैसे मांगते हैं, हमें पैसे दे दीजिए हम आपका लोन अप्रूव करेंगे। मुझे बताइए ये क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे शहरी श्रीनगर में, क्या हो रहा है? मुझे बताइए, यहाँ की सड़कें देखिए आप, कितनी खस्ता हालत है सड़कों की। एसएमसी टस से मस नहीं हो रही है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। यहाँ की जो आप देखिए, दूसरा मुद्दा है हमारा, यहाँ की जो यूथ है, जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, वो बेचारे घरों में बैठे हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम यहाँ पे रोज़गार को जनरेट करेंगे, मुझे बताइए वो रोज़गार कहाँ है? ये गरीब जो है, ये जो लड़का है आज यहाँ पे, ये जो लड़का है, जो ये गरीब है जिसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्या ये मजबूर नहीं है कि फिर ये रेडिकलाइजेशन की तरफ चला जाएगा? तो गवर्नमेंट को इकदाम उठाने चाहिए, इनके लिए कोई स्कीमें निकाले जिनसे इनका घर भी चले और सब चले इनके साथ। और मैं दूसरा बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन लोन है, इन्होंने जो रखा है यहाँ पे, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई है, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे भाई है, जो वो जब वो एजुकेशन लोन मांगने जाते हैं, उनको तो एंटरटेन किया नहीं जाता है। जम्मू कश्मीर बैंक यहाँ पे माफिया बन गया है, वो लोगों से पैसे लेता है, हम आपका लोन फिर अप्रूव करेंगे जब आप हमको पैसे देंगे। और अगर मुद्रा जो स्कीम्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने रखी है, जो पीएमजेकेवाई के थ्रू इन्होंने स्कीम्स रखी है, मुझे बताइए वो स्कीम है कहाँ, वो किनके घर में जाती है? यहाँ पे दूसरा मुद्दा हमारी बहनें हैं, जो अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि उनका हम जो शादी का खर्चा है वो हम उन्हें को देंगे, लेकिन क्या वो, मैं इनसे पूछना चाहूँगा श्रीनगर डीसी से, क्या वो उन तक पहुँचता है जो उनके वाकई में हकदार है? उन तक कुछ नहीं पहुँचता है, ये अपने घर बढ़ते हैं, जो ये कुर्सियों पे बैठे हैं ये गुंडे बन गए हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के गुंडे हैं। एलजी साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं इनको वहाँ से खदेड़ा जाए, वहाँ पे जो ऑफिसर बैठने चाहिए, जो हकदार है इसके, जो लोगों के खादिम है, उनको वहाँ पे बिठाया जाए। जरूर। आवाज